हेलो गुड हर्ष, आवाज आ मॉर्निंग रही मैम। है? गुड यस मैम, मॉर्निंग। पसंद की बुक निकालो। यस मैम। मिल गई बुक सबको। यस मैम। चलो देखो इसमें क्या बताया गया है। ये कौन सा चैप्टर है? जो है आपका वन के मार्क। ठीक है, यही है ना चैप्टर आपका। इसके पहले का जो चैप्टर था वो हो गया है पूरा यस मैम। कंप्लीट। कुछ कंफ्यूज तो नहीं उसमें? क्वेश्चन नो मैम, पूरा हो गया है। आंसर फ्री हो गया उसका? यस मैम। कोई ऐसा क्वेश्चन जो ना मिला हो तो बताओ, फिर पहले उसको करा दे फिर आगे बढ़े। चलो मैं मिल गया है सब। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बताया गया है। जो आपका 16 चैप्टर है वन के मार्ग में, ठीक है, इसमें यस तुलसीदास तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि कैसे जो राम सीता लक्ष्मण थे वो कैसे वन के मार्ग में गए। ठीक है, ये मैम। तुलसीदास जी के पद से लिया गया है। पहले स्टार्ट करें आप। यस मैम। चलो पढ़ो, हम अर्थ बता दे। पहले एक पैराग्राफ का अर्थ पढ़ना, फिर बाकी फिर सेकंड पैराग्राफ का हम अर्थ बता रहे हैं। पूरा देव निवृत्ति रघुबार जो धीरे धीरे गए मार्ग पर डर दे की हरी ढाल पानी जल की चोर चूकी जाए भारी है में मूर्ति है चल का पनकपुरती लो कित है ये की लिखी चयुता ये की आंखों आती चह चाहती चल चाहो चाहो। देखो इसका क्या अर्थ है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पूरत हम पढ़ते हैं फिर बता रहे हैं। वन के मार्ग में सवैया से लिया गया है। पूरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दय मग में डग देव। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी कै मधुराधर वय। फिरे बूझती है चलनो अब केतकी पनकुटी करहियों कित है। पिए की लखी अतुराता पिए की अखियों अति चारु चली चल चरे। ठीक है, इसका क्या अर्थ है यहाँ पर ये बताया जा रहा है। इसमें जो तुलसीदास जी हैं वो क्या कर रहे हैं, इसमें सीता जी के वन गमन की कठिनाइयों का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, क्या था जब उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था तो उसमें सीता जी भी क्या कहती हैं कि मैं भी राम के साथ क्या करूंगी, वन में जाऊंगी और उन्हीं के साथ वापस आऊंगी। तो जब वो जब साथ जाती हैं, अब महलों की रानी जब वो वन में जाती हैं तो उन्हें जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था उसके बारे में यहाँ पे तुलसीदास जी बताते हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं अब सुनो। उनकी कठिनाइयों का इस पंक्ति में वर्णन किया गया है। नगर से निकलते ही राम की पत्नी सीता थोड़ी देर दूर चलने के बाद थक जाती है। क्या बताया जा रहा है कि जब नगर मतलब कि जब अयोध्या से ये लोग निकलते हैं, कौन, राम सीता लक्ष्मण निकलते हैं, तो जो राम की पत्नी है सीता वो क्या करती है, थोड़ी दूर जाती है और उसके बाद वहां थक जाती है। उनके माथे पर पसीना आने लगता है। उनके माथे पर क्या है, पसीना आ रहा है तथा उनके कोमल ओंट सूख जाते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब नगर से ये निकल जाती हैं तो इन जो पत्नी है उनकी सीता थक जाती है। मतलब क्यों थक जाती हैं, क्योंकि उनको पैदल चलना पड़ा। ठीक है,
और उसके बाद क्या होता है, उनके माथे पर क्या है, पसीना निकलने लग रहा है, तथा प्यास के, जब प्यास लगती है तो ओट सूखता है ना, तो प्यास की वजह से क्या है, इनके ओट सूख गए। क्यों? क्योंकि इनको पानी कहीं नहीं मिला था रास्ते में, और क्या था, इनको प्यास लगी थी इसलिए इनके ओट सूख गए। वे राम से पूछती है कि अभी और कितनी दूर है? जब हम लोग भी हैं, जब दूर कहीं जाना रहता है और हम लोग थक जाते हैं, तो कहते नहीं है कितना और अभी समय बाकी है पहुंचने में। सीता थक गई थी और राम से बार बार पूछती है कि अब कितना और चलना है, तो वो बार बार क्या कर रही है, पूछ रही है कि कितनी दूर चलना है, तथा पण कुटी कहाँ बनानी है। वो कुटी में ही रहना था इन लोग को, वे पूछ रही है कि रहने के लिए पण कुटी कहाँ पर बनानी है, तो जल्दी वो रास्ता क्यों नहीं आ रहा। उनकी इस व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू भर आते। उनकी इस व्याकुलता मतलब कि पहुंचने की चाह है वहां पर, व्याकुल हुए इसके लिए कि हम जल्दी से पहुंचे वहां पर, कुटी बनाकर थोड़ी देर आराम करें, क्योंकि सीता क्या थी, थक जाती है। और जो सीता की जिस तरह की हालत रहती है, जब राम उनको देखते हैं, उनकी जो बातें सुनते हैं, तो उनकी बातें सुनकर उनकी आंखों में क्या होता है, आंसू भर आते। यहाँ तक समझ में आ गया पहला पैराग्राफ का? यस मैम। सेकंड पढ़िए। जल को गए नी है लिखा परिजो लिए फल भरी है तो देख पीछी आप पेट में भरी या भी करो और आयो पर परिपूर्ण भूख मिली डालने तुलसी रखबार के लिए आपके तन जानी मैं के बैठी बिल में लोग पंथा भरे जल की यह नह को नह यूं पूरा को तुमनी बारी बिनों चर भरे। देखो क्या है, थोड़ा सा सही नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि जब जल को गए लखन है लरिका परिखो पिए छा घरी खै ठाड़े पोछी पसयो ब्यारी कारो अरु पाए पखारे भूभरी ढाड़े तुलसी रघुबीर प्रिया आश्रम जानी के बैठी विलम्ब लोल कंटक काढ़े जानकी नाहको ने लखियो पुलको तनु बारी विलोचन पाड़े। अब इसका क्या अर्थ है, इस समय की क्या बात की जा रही है, क्या बात किया जा रहा है, जब सीता और राम क्या कर रहे हैं, वन के लिए जा रहे, ठीक है। अब क्या यहाँ पे बताया गया है कि सीता व्याकुल मन से श्री राम से कहती है, अब क्या है, जो सीता है व्याकुल मन से राम से कहती है कि लक्ष्मण पानी लाने गए हैं। क्या होता है कि क्योंकि इन लोग को, तीनों को प्यास बहुत लगती है, तो लक्ष्मण क्या करते हैं, पानी लेने के लिए नदी के किनारे जाते हैं। तब सीता क्या कह रही, राम से कहती है कि लक्ष्मण जी क्या किए हैं, पानी लेने के लिए गए हैं, उनके आने तक आप किसी पेड़ की छाया में थोड़ी देर विश्राम कर लें। सीता कहती है कि अभी लक्ष्मण गए हैं पानी लेने, लेके आने में उनको समय है, तब तक के लिए आप क्या करें कि पेड़ की जो छाया है उसमें आप थक गए हैं, थोड़ी देर क्या करो, आप भी आराम कर लो पेड़ की छाया में। तो श्री राम सीता की इस व्याकुलता को देखकर कुछ देर पेड़ की छाया में बैठकर उनके पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। जो श्री राम है वो क्या करते हैं, सीता भी थक गई थी और राम भी, तो जब सीता बार बार उनसे कह रही है कि विश्राम कर लिया जाए, तो वो क्या कहते हैं, ठीक है थोड़ी देर चल के चलो, बैठकर विश्राम करते हैं। और क्या था, जब सीता पैदल चल रही थी तो उनके पैरों में क्या थे, कांटे चुभते गए थे, तो राम जी क्या करते हैं, उनके पैरों से क्या कर रहे हैं, कांटे निकाल, ठीक है। तो क्या था, हम लोग अगर, इसीलिए तो स्लीपर पहनी जाती है, सैंडल पहने जाते हो, जूता पहना जाता है ना, तो इसीलिए है कि
रास्ते में क्या है, बहुत ही क्या है, पत्थर है, ईंट है और भी कुछ गंदगी है, कांटे हैं। तो जब वो पैदल जा रही थी तो वन में जा रही थी, मार्ग में क्या था, जंगल में क्या, घास फूस रहता है, कांटे रहते हैं। तो वो जब पैदल जा रही थी तो उनके पैरों में कांटे चुभ गए थे। जब विश्राम के लिए दोनों बैठते हैं आराम करने के लिए, तो राम क्या करते हैं, उनके पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। सीता उन्हें प्रेम पूर्वक देखती, सीता क्या करती है, प्रेम पूर्वक उनको देखती है और मन ही मन प्रियतम के प्यार को देखकर पुलकित हो जाती है। और मन ही मन क्या सोचती है कि जो राम जी हैं वो मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं, हमारी कितनी सेवा करते हैं, उनका ये जो प्यार है उनको देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। तो ये दोनों पैराग्राफ समझ में आया। पहला यस मैम, पैराग्राफ में क्या है कि राम और सीता के वन के जाने की बात की जा रही है, कि राम और सीता कैसे वन गए और सीता को कितनी कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरे उसमें क्या है, पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि वो पानी लेने के लिए गए हैं वहां पर, और क्या है, उनके पैरों में कांटे चुभ से गए हैं, चुभे हुए हैं, और दोनों आराम करने के लिए बैठे हैं। तो क्या किया जा रहा है, राम क्या कर रहे हैं, उनके मैम कांटे पैरों से कांटे निकाल रहे हैं। निकाल रहे थे। यस तो ये दोनों पैराग्राफ समझ में आया। मैम, चलिए, तो क्या था पहला पैराग्राफ में बताइए। मैम पैराग्राफ में मैम पहले सीता राम और लक्ष्मण अयोध्या छोड़ जा रहे थे वन के लिए, और सीता चल रही थी तो उनको प्यास लगी थी और पैर दर्द हो रहा था, बोल रहे थे कि कब कुटी अब कहाँ बनाएंगे। तो ऐसे राम देखते राम वेरी गुड, राम की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर क्या होता है। तो मैम थोड़ी देर के बाद चलते चलते फिर लक्ष्मण जाते पानी लेने। फिर पानी लेने के बाद सीता बोलती राम से कि पेड़ के छाया में नीचे बैठ जा, तब तक राम नहीं लक्ष्मण पानी लेके आते हैं। तो राम बैठ जाते हैं तो फिर राम सीते के कांटे निकालते हैं सीता के पैर के, फिर हाँ, तो उनके कांटे पैरों से क्या कांटे निकालने निकाल। लगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया दोनों यस पैराग्राफ। मैम, यस मैम। क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, पहले क्या करोगे, पहले इसको वन के मार्ग में पूरा लिखोगे, ठीक है, वन का मार्ग का लिख के, सवैया लिख के पूरा क्या करोगे उसको, दोनों यस मैम पैराग्राफ, बिल्कुल, ठीक है। दोनों यस क्या मैम करोगे, पहले चैप्टर लिखना का है नाम, मैम, चैप्टर ये जो दो का नाम। पैराग्राफ यस मैम, दोनों लिखोगे, ठीक है। फिर यस मैम, यस उसके बाद उसका अर्थ लिखोगे, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक। मैम। फिर शब्दार्थ करोगे, ठीक। तीन चीज समझ यस में, मैम, इन तीन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। चाहे पहले आप कविता लिख के शब्दार्थ लिखो, चाहे शब्दार्थ पहले लिख लो, कविता लिखो, फिर संदर्भ प्रसंग व्याख्या करो। मैम कविता क्या करोगे पहले। लिखने के बाद शब्दार्थ फिर उसको कर हाँ, लेंगे। व्याख्या करना, ठीक। क्वेश्चन यस मैम से टिक व्याख्या, यस करोगे। मैम, पहला क्वेश्चन क्या है सैया से, कि नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई थी, क्या हुई थी बताइए। मैं थक गई थी सीता, पैर दर्द होने लगा था, प्यास लग रही थी। वेरी गुड, क्या था, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता थक गई थी, उनका पसीना निकल रहा था और उनको प्यास के मारे ओंट सूख रहे थे, ठीक है। सेकंड का है, अब और कितनी दूर चलना है, पर्ण कुटी कहाँ बनाइएगा, किसने किससे पूछा और क्यों, बताइए इसका आंसर क्या सीता होगा। ने राम से पूछा क्योंकि सीता थक गई थी। हाँ, अब और कितनी दूर चलना है और पर्णकुटी कहाँ बनानी, यह बात सीता जी ने श्री राम से यस पूछी कि वह बहुत थक थी गई, ठीक है। तो मैम, क्या सहायता,
क्या मैम करो माइक, किसका आवाज कर रहा है, क्या बताया जा रहा है? हम थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की। मैम सीता के कांटे निकाल दिए थे मैम बैठे पेड़ के छाए के नीचे। राम ने क्या की, राम थकी हुई सीता के पैरों से देर तक कांटे निकालते रहे ताकि सीता को आराम करने का अधिक समय मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। मतलब वो कांटा तो निकाल रहे थे लेकिन क्या था? आराम के लिए कि हाँ, कि को सीता जी को क्या हो, काफी समय मिल जाए आराम करने के लिए, वो देर तक कांटे निकाल रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन है, दोनों सवेयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। ये कर लोगे? यस मैम। पहला प्रसंग में क्या बताया गया है बताओ, पहला प्रसंग क्या था? पहला हाँ पहला क्या था? कि राम लक्ष्मण सीता अयोध्या से बाहर गए थे, सीता थोड़े चलने के बाद थक गई थी, उनका पसीना छोड़ने लगा था और उनके और टूटने लगे पानी के लिए। पहला पैराग्राफ में क्या था कि वो सीता जब वन की ओर जा रही थी तो उनको जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनके बारे में वर्णन किया गया है। इसका यही था ना पहले का, कि सीता वन जाती है तो उनको जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनके बारे में बताया गया। और सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया गया है, और राम और सीता किस तरह से क्या करते हैं, अपने दर्द को सहते हुए आगे बढ़ते हैं। या ये कह सकते हो कि उस समय की बात की जा रही है जब राम और सीता वन को जाते हैं। ठीक, समझ गए? कोई दिक्कत इस? नो मैम। चलिए नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन है कि पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। बताइए हर्ष, पहले तुम बताओ। मैम वन का मार्ग, मैम वन के मार्ग में कांटे होते हैं, घास रहती है, पत्थर रहते हैं। हाँ बताओ, अपने शब्दों में वर्णन करना है, लगभग 4 से 5 लाइन में बताओ। मैम जो वन का रास्ता होता है कि उधर पत्थर भी रहते हैं, कांटे भी डरे रहते हैं, कहीं कहीं घास रहती, कहीं कहीं चलिए वेरी गुड। सुमित तुम बताओ, सुमित कहाँ गया? ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई, क्या बताया इसमें? वन का रास्ता क्या था, कांटों से भरा था, वैसे मार्ग पर संभल कर चलना पड़ता था। जो ये मार्ग था उस पर क्या करना पड़ता था, हम लोग को संभल कर चलना पड़ता था। रहने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं था, कोई भी स्थान नहीं था, इसलिए कुटी बनाकर रहना पड़ा। और खाने की वस्तुएं भी नहीं थी वहां पर, खाने की कोई सामग्री भी नहीं थी, और पानी कहीं नजर भी नहीं आ रहा था। पानी भी क्या था, कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ क्या था, सन्नाटा तथा असुरक्षा का वातावरण था। मतलब चारों तरफ क्या था, सन्नाटा छाया हुआ था और असुरक्षा का वातावरण था। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत? नो मैम। चलो तो अब क्या आगे, ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं आपके? ठीक, यस मैम, आंसर भी मिल जाएगा आराम से। ठीक, यस मैम, ये बनाना, ठीक, ठीक जहाँ मैम, पे ये लिखो, हाँ बन जाएगा। यस मैम, तो ये चित्र आप क्या करोगे, इसको कॉपी में बनाओगे, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो वही हम लिखेंगे मैम। हाँ, उसी पेज नहीं, नेक्स्ट पेज पे आप बनाओगे। इतनी चीज क्लियर है? यस मैम। कोई दिक्कत इसमें? नो मैम। अच्छा, आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या हुआ है आपका, बता सकते हो, जो हमने उस दिन होमवर्क दिया था? मैम लीफ वाला बना लिए हो? मैम ड्राइंग करनी थी उसको।
तो बनाए हो? नो मैम, कॉपी कब में बनाओगे? बनाना कौन था क्या मैम? कॉपी में बनाना था क्या? रुकिए, सबसे पहले ये तो बताओ। ये वाला वीडियो ऑन करो तभी देखेंगे। एक मिनट। लीफ वाला ये बनाना था? वाला नहीं, नीचे वाला बेटा। तो यस ये बन गया है मैम, आपका? यस मैम, बना के मन बन जाएगा अब। आज बना लो बेटा जल्दी से, ठीक है? इसको दिए हैं और क्या दिए हैं आपको? मैम बस इसको बताई थी और कुछ नहीं है आप बुक में? कंटेंट मैम, है क्या कंटेंट वाला खोलो जरा, कंटेंट मैम? खोलो कैंटो एक मिनट, रुक जाओ एक मिनट, देख रहे बताते। लीफ वाला दे चुके हैं, ठीक है? और क्या? मैम, ये मेहंदी डिजाइन तो ये कोई मतलब नहीं है, लीफ पेंटिंग हो गई है। स्टिल लाइफ में क्या है? क्या मैम? स्टिल लाइफ में क्या है? फिफ्थ वाले पे देखो। यस मैम, ये है। अच्छा ये है, इसको बना लेना, ठीक है? मैम इसको पूरे को दोनों दोनों, ठीक मैम, है? और नेक्स्ट पेज यस पलटो, एक एक पेज दिखाते जो पता चलता है हम बता देते हैं। मैम, पहले में ये है। हाँ सब बन गया है ना बुक में? हाँ, मैम कुछ उसमें से कुछ एक पेंटिंग की है, शेडिंग वाला कॉपी में भी कर लेना, ठीक है? यस मैम, ये बना लीजिएगा, लैंडस्केप नहीं वाला, यस बना लीजिएगा, मैम, ठीक है? भूल मत जाना, टिक कर लो उसको। टिकल नहीं मैम। हमें इसको बनाना है और लीफ वाला। मैम हाँ आगे बढ़ो। ह्यूमन बॉडी है, ठीक आगे। ठीक लाइफ स्टडी है ना, मैम, इसे बना लीजिए। जो गर्ल बनी हुई है इसे पेंटिंग में बनाइएगा, ठीक है? यस हाँ पेंटिंग है ना ये तो। मैम, चलिए उसके बाद क्या है? एक शेडिंग में हो जाएगा आपका, एक पेंटिंग में हो जाएगा। वाला नहीं बना लेंगे। बना लेना, ठीक है? मैम
ठीक है, बस इतना ही, अभी इतना करना, ठीक है? यस मैम। समझ रहे हो? यस मैम। अभी केवल इतना ही करोगे, और सुनो ये जो हो ये सबको बता भी देना, ठीक है? यस मैम। तो बना रहे हो वो तुम बुक में बनाओगे ही, जो हमने अभी बोला है, जो जितनी चीजें वो कॉपी में तुमको बनानी है, ठीक है? यस मैम। तो जितनी चीज बोले हैं उतनी चीज आपको कॉपी में बना के कलर भी करना है एक तरफ शेडिंग भी करनी है। यस मैम। और सबको बता देना, सुमित को बता देना, निहारिका, जितने भी लोग हैं सबको बता देना, क्योंकि आपका फाइनल होगा तो जब आप ये बनाए रहोगे तो उसी में से हम कोई एक देंगे, ठीक है? तो जब आपका बना ही तो फिर हम क्या देंगे? यस मैम। और मेरे पास सुमित का नंबर है। हाँ तो सुमित को कह देना, जितने लोग भी कर या नेक्स्ट क्लास बच्चे आते तो एक बार बता देना, ठीक है? और कुछ? नो मैम। और कुछ दिक्कत हो तो पूछ लो। अच्छा ये बताओ, आप ये हो गया, इसमें ये चैप्टर हो जाएगा, और लास्ट चैप्टर एक बाकी है ना? यस मैम। लास्ट है कि अभी? हाँ लास्ट। तो लास्ट कल कंप्लीट करा के ये आपका लिटरेचर पूरा हो जाएगा, तो या तो हम संस्कृत में स्टार्ट करेंगे या बालराम कथा, ठीक है? यस मैम। तो ये पहले बुक कंप्लीट कर दें, फिर हम आगे पढ़ेंगे। यस मैम। तो जो लैंग्वेज संस्कृत में जो आप कराए हैं उसे पूरा कर लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। और कुछ पूछना तो पूछ लो। नो मैम। काम करो, ठीक है? यस मैम। चलो, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।